ले ले। तो आज की वीडियो कमजोर दिल वाले ना देखें, हो सकता है कि आप डर भी सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है और हम लोग चाय वाय सब कोई पी चुका है। बस अभी जिया सो ही रही थी और हम लोग बैठे थे क्योंकि सुबह का टाइम है। और अभी का क्या है ना कि जिया को स्कूल जाना नहीं है, छुट्टी है, और ये भी 7:30-8 बजे के लगभग जाते हैं, तो थोड़ा सा फ्री माइंड होके और आराम से उठते हैं। तो यहाँ पे छत पे आ चुके हैं और अच्छा खासा धूप भी निकल चुका है। और जो सांप का खौफ है ना, जो आप लोग को कल के व्लॉग में देखे थे कि सांप है पीछे, तो वाकई बता रहे हैं बहुत डर लग रहा था। और जीसू तो वहाँ से कॉल करके बार बार बोल रहा था कि मम्मी पीछे का दरवाज़ा मत खोलिएगा, थोड़ा सा सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना खतरनाक वाला बड़ा सा सांप था। तो बहुत टेंशन लगा था। और सुबह हो चुकी है और सब लोग ना बार बार आके बस सांप को ही देख रहे हैं कहाँ जा रहा है। और जानते कल ये हिल डुल नहीं रहा था और कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ कोई दिक्कत, लेकिन आज सुबह से ना पता नहीं क्यों इतना हिल डुल रहा था और हम ही लोगों के ना घर के पास में आ रहा था। और एक तो बच्चे हैं, थोड़ा सा टेंशन लगा था कि ऐसा ना हो कि वॉल से आ जाए चढ़ के, क्योंकि उस तरफ का ना हम लोगों का प्लास्टर नहीं हुआ है, सिर्फ ईंट का ही वो है, तो वो आसानी से ना ऊपर चढ़ सकता है। तो हम लोग बार बार जा के देख रहे थे कि कहाँ है, बहुत डर लग रहा था। तो इनका ना ऑफिस जाने का टाइम हो, यानी कि रामलीला जाने का टाइम हो रहा है, तो इनको चाय और नाश्ता देने की तैयारी हो रही है। चाय नाश्ता यानी कि ये ब्रेड और पाव, आज तो मेरा भी दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो पाव और ब्रेड लेकर आए थे कि सुबह नाश्ता ये करके जाएंगे। आज कुछ हैवी नहीं खाना था और हल्का फुल्का खाना था। तो ये तो उसके बाद हम लोग तीनों लोग चाय नाश्ता कर चुके हैं और उसके बाद ना फिर से हम लोग आ गए पीछे देखने के लिए। और देखिए ये जो सांप है ना, पहले थोड़ा बहुत दिख रहा था, अब एकदम साफ एकदम क्लियर दिख रहा है क्योंकि ये बाहर आ रहा था। और उसके बाद आज जिया घर में है तो हम लोग दोनों लोग मिलके और फटाफट घर का काम करेंगे। तो हम झाड़ू लगा रहे थे और जिया पोछा लगा रही थी, तो हम झाड़ू लगा के निकल रहे थे और ये पोछा लगाती जा रही थी। तो काम आज बहुत जल्दी हो गया था और अच्छा भी हुआ कि आज काम ना थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि सुबह से क्या था कि सब लोग आ रहे थे सांप देखने के लिए। कल ना रात में हम सबको बताए, जिया बताई कि हाँ पीछे सांप है, तो सुबह होते ही ना सब लोग आ रहे थे देखने के लिए। और अच्छा भी लग रहा था, घर में रौनक लगी हुई थी और सबको पूरे घर को लगी हुई थी टेंशन कि कहीं सांप, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग के घर में आ जाएगा, क्योंकि बगल वाला जो हमारा खेत है ना वो भी उसी खेत से जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं पर भी जा सकता है, तो टेंशन सबको लगी हुई थी। तो सब जगह का हो गया है झाड़ू पोछा। अच्छा, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेडरूम में भी आ चुके हैं, घर साफ़ हो चुका है, बर्तन उर्तन से सब कुछ धो चुके हैं। आज सुबह उठते के साथ ना वॉशिंग मशीन भी ऑन कर दिए थे क्योंकि जिया का छुट्टी हो गया, तो सोचे ना कि इसका ड्रेस व्रेस जो भी है सब कुछ धो धा के और फुर्सत हो जाए, ताकि बाद का ये ना हो कि बाद में धोना पड़े। तो उधर का करके और फिर आ चुके हैं लास्ट इधर गेस्ट रूम में। तो इधर का सोफ़ा वा यहाँ पे कोई उतना बैठता तो नहीं है, ये सुबह के टाइम कभी बाय चांस ऐसा होता है कि ये बैठ के ना यहाँ पे फ़ोन चलाते हैं या कोई आ गया तो यहाँ पे बैठता, तो बस इतना ही होता है। तो जो थोड़ा बहुत फैला था उसे ठीक कर दिए हैं और झाड़ के, और बस यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, जिया पोछा लगा लेगी। और एक्वेरियम में ना पानी भी आधा हो गया, लेकिन अभी हम लोग इसमें पानी भर नहीं रहे क्योंकि इसको ना साफ़ करना है, तो जब रामलीला ख़त्म हो जाएगा तो ये थोड़ा सा फुर्सत हो जाएंगे, तो मिल के एक्वेरियम को साफ़ करके और फिर उसमें ताज़ा पानी भर देंगे। उसके बाद हम आ चुके हैं छत पे क्योंकि वॉशिंग मशीन निकाले थे ना, तो सबको ड्रायर करके और उसके बाद आ चुके हैं छत पे, फटाफट डाल देते हैं। और सुम्बुल भी अभी आई थी ना, तो जैसे कि एक के साथ जैसे दो लोग होते हैं तो मन भी लग जाता है काम करने में, तो गेहूँ डाल के गई है। तो आज छत पे हमारे रौनक लगी हुई थी, छत पे नहीं पूरे घर में ही रौनक लगी है। अभी चल के आप लोग को नीचे भी दिखाते हैं। तो आज हमारे यहाँ ना मेला लगा है, दशहरा का मेला हमारे यहाँ लगा हुआ है, तो सब लोग ना सांप देखने के लिए सुबह से सब कोई आ रहा है। अब्बा भी आए थे, अब्बा को नहीं दिखा, फिर जिया ना फोन पे दिखाई और उसके बाद अब्बा देखे, क्योंकि वो एकदम ही ब्राउन कलर का है ना, तो मिट्टी में मैच कर जा रहा, तो उसको जैसे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा दूर। तो नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे ना बच्चे खड़े होके और देख रहे हैं सांप को, क्योंकि जिनका खेत है ना उनसे कहा गया कि भैया जो सांप पकड़ने वाले हैं उनको बुला लीजिए, क्योंकि टेंशन लगी हुई थी, तो वो बुलाई हैं, तो अभी आने वाले हैं।
तो यहाँ पर देखिए तो वो आ चुके हैं, लेकिन वो पास में ही नहीं जा रहे हैं। रीज़न ये कि वो दूर से ही देखे ना, तो बोल रहे हैं कि ये जो सांप है बहुत खतरनाक वाला सांप है, अगर गलती से भी काट दिया ना तो 10-15 मिनट में इंसान मर जाएगा और हॉस्पिटल पहुँचने से पहले ही। तो वो ना नहीं पकड़े थे, फिर वो पास गए जब देखे तो वो हमसे बोले ना कि झोला दे दीजिए, जितना भी सामान चाहिए था सब हम ही लोग दिए। और आगे की जो क्लिप है वो ओरिजिनल रखें, उसमें कोई भी वॉइस ओवर नहीं किए, ताकि आप लोग क्लियर रहे। आईफोन 13 से वीडियो बना रहे हो? कहाँ है भाई मोबाइल? कहाँ है? रुको ना, बड़े बड़ा है। एक मिनट बना रहे, रुक गया। वो भी उससे बना रहे, दूसरा आपका मोबाइल था ना? आईफोन बना रहे हो? हाँ। तो रेट देखो, देखिए जो सांप आप देख रहे हैं बेचारा कितना बड़ा है, मगर इसके बाद जो इसके गले में जो फांसी की तरह जो रस्सी बन गया है गलती से, इसी के चक्कर से ये 3 दिन से यहाँ फंसा हुआ था। अगर ये रस्सी नहीं निकाला जाए तो ये पक्का है कि ये बेचारा बचेगा नहीं, क्योंकि गला आधा से ज़्यादा कस चुका है। ये रस्सी कहाँ गई है? और देख रहे हैं कितना बड़ा है, काफ़ी पुराना सांप है। बेचारा क्या करे, इसका भी ऐसी जगह फंस गया है। ओ रस्सी में भैया भैया हमारे साइड मत ले आवा हो। रुकिए, आपका वीडियो बना रहे, मेरे सामने मत लाइए। हिंदुस्तान जिंदा। देख रहे हैं ना बेचारा क्या करे, इधर आओ, यहाँ पासा रस्सी में बंधा हुआ, कुछ वहाँ तक का साथ नहीं पा रहा। देखे तो देखे, बोल नहीं सकता, देखो गर्दन उसका कस रहा है, सांस लेने में भी यस सर दिक्कत इसको हो रही है। दिखा मोबाइल, दिखा, रुको। तो देखिए ये भी बेचारा किस तरीके से फंस गया है, क्या करे, जानवर है, इसको भी अकल नहीं। और ये जो रस्सी लग रहा है कि यहाँ पड़ा होगा, उसी चक्कर में ये फंस गया है। फिर से लीजिए, मैं इसको पकड़ रहा हूँ ना, ये ब्लेड लीजिए, ब्लेड चुके यहाँ काटिएगा, मैं उसका मुंह पकड़ रहा हूँ, उसका मुंह पकड़ लूंगा तो टेंशन नहीं रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट कीजिए, बस ये कि दूर है क्योंकि वो बड़ा घातक था। रुकिए अभी एक मिनट, उसका मुंह पकड़ लें। अब यार डरो मत, क्योंकि ये भी देखो यार बेचारा, कोई भी आदमी या जानवर फंसा हो अपनी जिंदगी में तो कैसा, उसको देखिए कैसा है। ओहो रुकिएगा, जूम करूं, कैमरामैन जूम करो। हम वहां जाते पता चला। देख रहे हैं बेचारा, भैया बचा दीजिए बेचारे को। हाँ रुकिए, बार बार बार, अब इसको ज्यादा कष्ट नहीं, अभी उसको हम इसको पकड़ के है। रुक जा, आराम से मेरे पास आओगे का? रुकिएगा भैया, पकड़े रहिएगा ना, हम आ रहे हैं। अरे बीख मारता है, रुकिए। हाँ हल्का देखना, उसको चमड़ा ना कटे, धीरे धीरे। देखो ले जाएंगे, घर ले जाएंगे। बेचारा बेजुबान है, तुम लोग का बहुत बहुत आभार है कि इसको कम से कम देख लियो, नहीं तो ये और 2-4 दिन रहता। एक तो धूप इतनी कड़क है, उस धूप में और काटिए बंधा है वो फांसी वाला टाइप का, उस पर लगता है वो लग गया है। फोकस करो, इधर से इसका मुंह की उधर से निकालो, इधर दिखाओ मुंह, बाप देख रहे हो, दांत बाप रे पूरा खतरनाक है। अब नहीं करेगा, काटे, आराम से यार, थोड़ा आराम से ना, मजाक नहीं करो यार, देखो बहुत सीरियस है। इस सांप के बारे में तुम शायद नहीं जानते हो कौन सा रसल वाइपर है। हाँ बहुत घातक सांप है यहाँ का, घर में वाइपर है, आराम से काटो यार। यार कट गया क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काटो थोड़ा सा। हाँ काटो, अब इसको हमें दवा भी देना पड़ेगा।
यार मेरे मेरे गाड़ी वहाँ है ना। हाँ। चलो वो गाड़ी गाड़ी कहीं दबा लगा देंगे इसको। इधर 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 आप दिखा, ये देखिए ये देखिए भैया, देख रहे हैं हम, देख रहे हैं, देख रहे हो बेचारा कितना रस्सी रस्सी से, मतलब ये रस्सी के कारण उसका गला भी। आप करो के दो खूब फोटो ले ले, छोड़िएगा नहीं, अंदर दमे हुआ उतना नहीं है वो, कम से कम दो तीन दिन से वो बेचारा ऐसे पड़ा था, उसने चलने की हिम्मत नहीं, अगर और एक दो दिन हुआ होता तो ये मर जाता। ठीक है देखिएगा, इधर मत लेके आइएगा, भैया अब देखो उसको कितना रिलैक्स मिल रहा है। अब वो जाके कुछ हुआ, अब इसको ज्यादा टाइम ना लगाए, बोरा में डाल दिया जाए, भागना स्टार्ट आजादी होती। रुक के आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं, पैक हो गया है, पैक हो गया है। ठीक है देखिए, आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार है जो आप लोग भी खड़े हैं कि कम से कम इसको देखें। और देखिए कितना कड़क धूप में ये बेचारा स्ट्रगल कर रहा था, बहुत तड़प रहा था कि भाई कोई इसको बचाए, और आप लोग ने फोन किया। ऐसे ही सपोर्ट कीजिए किसी भी जीव जंतु, अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते कम से कम पानी तो किसी जानवर को पिला ही सकते अपने घर के आसपास। यस भैया, इसीलिए चिड़िया हो चाहे गाय हो कुत्ता, उसको खाना पानी जो आपसे हो सके उतना कर दीजिए। इससे कोई बड़ा कार्य नहीं है कि आपको हाथी और शेर ही बचाना, ये जो है ये सब हाथी शेर से कोई कम जानवर नहीं है, इनके पास भी जान है, इनके पास भी सोचने की क्षमता, इसलिए इन्हीं का सेवा कीजिए काफी है, अपना प्रकृति बचा रहेगा और हम लोग भी इनके साथ खुश रहेंगे। ठीक भाई, ओके, ऑल द बेस्ट। एक रस्सी को स्नेक हम लोग ने पकड़ा है, इसको कहते हैं रसल वाइपर, साउंड आपने इसकी सुनी होगी, ये काफी खतरनाक है, और इसका जो जहर है उसको कहते हैं हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक का मतलब है कि हमारी जो सेल्स से है जो टिश्यू है उनको डैमेज करना, उनको सड़ा देना, उसको डिकम्पोज कर देना, घुला देता है। और इसके काटने के बाद अगर 15-20 मिनट से तक हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि बचना नामुमकिन के तौर पे ही है। इसीलिए सांप के काटे का मतलब है कि किसी भी बाबा वाबा या कहीं भी ऐसी जगह समय बर्बाद करने से पहले अपने जिला अस्पताल जो आसपास में हो वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि इसका इलाज वहाँ मौजूद है। बाकी तो आप समझ रहे हैं कि भैया अभी तो हम लोगों ने देखो कितना स्ट्रगल करके इसको बचाया है, इसीलिए मैंने जो काम किया मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। और संयोग का मतलब ये नहीं कि जहरीले सांप पे हाथ डाल दें, ये सब नहीं, संयोग का मतलब अगर गोरैया रह रही है, कौवा रह रहा है, कुत्ता है, तो उनको भी खाना देंगे तो वो इसी के बराबरी पात्र है। यही है हमारा प्रकृति और हम भी खुद प्रकृति से। देखिए कितना खेती है, और ये खेती किसका नतीजा है, हम लोग का नहीं है, जिस मिट्टी में जो केचुए और कीड़े मकोड़े हैं उनके वजह से खेती बनती है, और आजकल हम जो खोद खोद के मिट्टी उट्टी कर रहे हैं तो उससे खेती नुकसान हो रही है। बस यही कहेंगे भैया नेचर से जुड़े और नेचर को संभालें, ठीक है भाई ना। तो आप लोग देखे तो चलिए, ये है कि राहत की, अब हम लोग सांस लिए, सांप पकड़ के वो लेके चले गए हैं। ये शाम के क्लिप है, और जो मॉर्निंग में एक दो बार हो गया था, आज वॉशिंग मशीन में कुछ ज़्यादा ही धोने के लिए हो गया था तो दो बार अलट पलट करके और उतार के फिर दूसरा डाले थे। अभी एक और बाकी है जो बाल्टी में लेकर आए हैं। यहाँ पर ज़ारा गेहूँ उठाने के लिए आई थी, ज़ारा उठा नहीं रही थी, जैसे सब गेहूँ को ना साइड में कर रही थी तो सुम्बुल भी आ गई, तो यहाँ पर हम बता रहे थे कि सुबह ना बच्चे गेहूँ डालने के लिए आए थे ना, तो मेरे मिर्चे के पेड़ में ना अच्छा खासा मिर्चा जैसे लग गया था थोड़ा वो, तो ये लोगों को लगा कि शायद कुछ है और तोड़ के ना बच्चे खेल ओल रहे थे, अब चाहे जो भी। तो हम जब इसको डांटे तो कह के आ रहा है कि हमारे घर में ना मिर्चा नहीं था इसीलिए मिर्चा तोड़े थे, तो वही हम लोग हंसी मजाक अपना कर रहे थे, तो सुम्बुल को बता रहे थे, तो सुम्बुल बच्चों को डांट रही थी कि ऐसे नहीं तोड़ते हैं। तो बस यहाँ पर हम भी उतार के और उसके बाद हम आ चुके थे नीचे और ये भी आ गए थे। तो अभी ये चाय वाय पी के ना फिर रामलीला जाएंगे, तो चाय बना रहे थे तो चलिए अदरक वाली चाय पी लेते हैं। और शाम का टाइम में बड़ा मस्त लगता है, खिड़की में से आप लोगों को ना व्यू दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ में आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। आई होप कि अच्छा लगा होगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिले।